चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने गुजरात, राजस्थान और बिहार में दर्ज मामलों का टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई फिलहाल 5 केसेस पर काम कर रही है और जल्दी ही इस मामले में ईडी भी अपनी जांच शुरू कर सकती है। झारखंड के हजारीबाग के जिस सेंटर से पेपर लीक होने का शक जताया जा रहा है, वहां एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो कई लापरवाहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। गुजरात, राजस्थान, बिहार में दर्ज कुल 5 केस का टेक ओवर कर लिया गया है। सभी केस फाइल को सीबीआई ने राज्य पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया, जांच शुरू कर दी। इन 5 केस में सबसे अहम बिहार में पेपर लीक का कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल केस, गोधरा और राजस्थान के जो केस हैं, वो कैंडिडेट की जगह किसी और के एग्जाम दिलवाने या चीटिंग कराने के मामले हैं। सभी केसेस की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच को 4 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा है क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी। सीबीआई को प्रश्न पत्र छापने के पूरे प्रोसीजर की भी जांच करनी है। सीबीआई इसकी भी जांच करेगी कि प्रश्न पत्र देश भर में अलग अलग राज्यों में कैसे भेजे गए, एग्जाम सेंटर्स तक नीट के क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचाए गए। इन एंगल पर जांच करने से सीबीआई के रडार पर और कौन कौन है ये भी देख लीजिए। जिन्होंने नीट का प्रश्न पत्र सेट किया, जिनके पास क्वेश्चन पेपर छपवाने और छापने का जिम्मा था, जिनके पास देश भर में प्रश्न पत्र भेजने की जिम्मेदारी थी, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र की सुरक्षा जिनके हाथों में थी। सीबीआई के साथ ईडी भी पेपर लीक धांधली की जांच में जल्द ही शामिल हो गई। सूत्रों की माने ईडी अब पेपर लीक मामले में एक्टिव मोड में है। पुराने मामले में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। ईडी जल्द ही नीट यूजी एग्जाम मामले में जांच में ईसीआईआर मतलब एफआईआर दर्ज कर सकती है। पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसीज फुल एक्शन में है। महाराष्ट्र के लातूर में नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक संजय जाधव को आज कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जबकि इस मामले में गिरफ्तार जिला परिषद स्कूल के प्रिंसिपल जलील पठान को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 2 आरोपी दिल्ली के ही गंगाधर और महाराष्ट्र के माशरा जी कोन गलबार फरार हैं। संजय जाधव ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि पैसों के बदले वो नीट यूजी परीक्षा पास कराने की गारंटी लेता था, पैसा दिल्ली में बैठे गंगाधर को भेजता था। महाराष्ट्र एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ, लातूर और दिल्ली में सक्रिय ये रैकेट 1 जनवरी 2023 से 22 जून 2024 तक काम करता रहा। पुलिस को शक पहले भी परीक्षा धांधली में हुई। इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं, इनमें एक का नाम गंगाधर जो दिल्ली का रहने वाला है। उससे एबीपी न्यूज की संवाददाता आजादिका ने बात करने की कोशिश की तो उसने एबीपी न्यूज को ही धमकी दी। गंगाधर ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। गंगाधर से पैसों का लेन देन हुआ करता था जानकारी के मुताबिक। एबीपी न्यूज के पास गंगाधर का फोन नंबर है और आइए कोशिश करते हैं गंगाधर से मिलने की भी, साथ ही साथ उनसे फोन पर बात करने की भी। गंगाधर जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। गंगाधर जी मैं आजादिका बोल रही हूँ एबीपी न्यूज से। सर आपका नाम एक काम करो। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। बार बार फोन मत करना मेरे को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं तो पहली बार कर रही हूँ। मैं आपने पास नहीं, पहली बात नहीं, मेरे को 500 बार हर बंदे का फोन आ रहे हैं। मैं अभी कहीं बाहर हूँ, मैं पुलिस थाने में कल कंप्लेंट करूंगा सबके नाम की, ठीक है ना, कि मेरे को परेशान कर रहे हैं। पेपर लीक का एपिसेंटर बिहार रहा, जिसके झारखंड कनेक्शन भी सामने आए। पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल से मिले जले हुए टुकड़ों की ओरिजिनल पेपर से मिलान किया गया तो बड़ा खुलासा हुआ। जले हुए क्वेश्चन पेपर का सीरियल कोड हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में दिए गए थे, क्वेश्चन पेपर से मैच हुआ है। पटना पेपर लीक की जांच कराने वाली ईओयू की टीम ने ओएसएस स्कूल के कर्मचारी से पूछताछ की, बयान रिकॉर्ड किए गए। एबीपी न्यूज की टीम भी ओएसएस स्कूल पहुंची, वहां के प्रिंसिपल ने क्या कहा सुनिए जरा। एनटीए का परीक्षा केंद्र था ये 100% सच है, और मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर भी था, मैं सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे अंडर में 5 सेंटर्स में एग्जामिनेशन हुआ, ये सत्य है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ 2 या 3 मीडिया चैनल्स ने कहा। हमें एनटीए से कभी भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया, हमें किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी से ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया कि हमारा यहाँ कुछ मामला था। हाँ ये 2-3 न्यूज़ चैनल्स ने कल अचानक न्यूज़ फ्लैश किया है कि जिसमें हमारा रोल था। बिहार पुलिस की ईओयू की टीम झारखंड के हजारीबाग के नूतन नगर में ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के ऑफिस पहुंची, जहां जांच की और एक बक्से को जब्त किया। दावा है कि नीट का क्वेश्चन पत्र रांची स्टेट बैंक के लॉकर से निकालने के बाद ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग लाया गया।
इसके बाद SBI की ब्रांच से प्रश्न पत्र की कड़ी सुरक्षा के बीच अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाए गए, लेकिन इसमें कई खामियां पाई गई, जिसके बाद NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिर कटघरे में दिखाई दे रही है। ब्लू डार्ट ने नीट के क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज हैंडओवर टेकओवर में NTA के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया, ये बात सामने आई। पूरे मामले में जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है वो भी जांच के दायरे में आ गई है। देखिए, हजारीबाग में हम उसी कुरियर कंपनी के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। बिहार की EOU की टीम ने हजारीबाग में नूतन नगर में इसी कुरियर सर्विस के कार्यालय में आकर जांच की है। यहां के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और रांची के ब्लू डार्ट कुरियर के कार्यालय से भी कर्मचारियों को यहां बुलाया गया था, उनसे भी यहां पर पूछताछ हुई है। यहां से EOU की टीम कुछ अहम कागजात जब्त करके ले गई है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि नीट का प्रश्न पत्र रांची बैंक के लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग लाया गया व इसी कुरियर कंपनी ने हजारीबाग में SBI बैंक में प्रश्न पत्र जमा किया था। इसके बाद उसी बैंक से प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए। लापरवाही कितनी बरती गई ये जानकर हैरान हो सकते हैं। नीट UG के प्रश्न पत्र के पैकेट 3 मई 2024 को ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए SBI बैंक हजारीबाग पहुंचे थे। ये प्रश्न पत्र लाने के लिए नेटवर्क के किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ई रिक्शा के जरिए ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस ने हजारीबाग SBI ब्रांच तक इसे पहुँचाया। जिस ई रिक्शा से प्रश्न पत्र लाया गया वहाँ भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया, महज एक ड्राइवर के भरोसे संवेदनशील प्रश्न पत्र को बैंक तक पहुँचाया गया। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एजेंसी सबसे पहले संदिग्ध बताई जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।